पीएम मोदी लाइव। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री के रोड शो की। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में रोड शो किया और वहां पर देखिए तमाम लोग मौजूद, बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही आम लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पुष्प वर्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो सीधे सीधे लोगों से जुड़ने और उनसे जनता से संवाद करने का एक प्रयास। तमिलनाडु के रामेश्वरम से ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और इसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जब वो मंदिर जाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री ने जो रोड शो किया उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की। तमिलनाडु के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और इस दौरे में दक्षिण की संस्कृति को प्रधानमंत्री ने कैसे आत्मसात किया वो भी इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां सरयू की लहरों के बीच प्रतिमा मिश्रा के साथ हैं साध्वी रितंबरा। तो राम जन्मभूमि को जो लेकर चलाया गया आंदोलन था उसकी फायरब्रांड नेता रही साध्वी रितंबरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त सरयू जी में हम लोग सब मौजूद हैं। जो सौगंध आपने खाई थी अपने नारों के जरिए कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, वो प्रण आपका पूरा हो गया? हाँ, प्रण पूरा हो गया, शपथ पूरी हो गई, संकल्प पूरा हो गया, संघर्ष पूरा हो गया, तप पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया और जीवन पूर्णता के प्रसाद से धन्य हो गया। कैसा महसूस कर रही हैं अब? बहुत कम वक्त बचा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, उनकी प्रतिमा के दर्शन उससे पहले सभी को हो गए हैं और इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, एक एक पल बहुत रहा, एक दिन अवध अधारा, एक एक पल बहुत प्रतीक्षा की बेचैनी है। प्रभु को श्रृंगारित रूप में देखना, गर्भगृह में देखना, क्योंकि ये गर्भगृह साधारण नहीं है। आपने अपना नाम क्या बताया? प्रतिमा मिश्रा। प्रतिमा जी, तो वो प्रभु की प्रतिमा स्थापित होगी, है ना प्रतिमा जी? तो वो गर्भगृह है ना, वो हम लोगों की सदियों की व्याकुल परीक्षा है और सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा भी है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये साधारण पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, राम का महल बना है और हम सब पत्थरों की तरह उसमें जड़े हैं। और कोई बुनियाद बना है, कोई भीति बना है, कोई शिखर बना है, कोई कलश बना है, तो वो हमारी आकुल व्याकुल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आप जानती हैं, प्रतीक्षा बोलते हैं तप को, सहन करने की सामर्थ्य को। और 500 साल के मेरे पुरखों का बलिदान, धर्म के प्रति अभिमान, वो सब इस मंदिर को बनाने में लगा है। वो संघर्ष याद आता है, आज आंखों के सामने वो तस्वीरें उभर कर आती हैं जब आपको लगता है कि इसी के लिए तो ये सारा संघर्ष आप लोगों ने किया। आप जानती हैं प्रतिमा, सरयू के गोदी में हम हैं और इसी सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली थी कि भगवती सरजू हम लोगों को इतनी सामर्थ्य देना कि हम सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहें, क्योंकि सत्य से डिगाने की बड़ी ताकतें होती हैं। सबसे बड़ा तो भय होता है, फिर प्रलोभन होता है, अनिष्ट की कल्पना अंदर भय पैदा करती है। सामने वाले राजनैतिक ताकत रखते हैं, वो कितने बड़े बलशाली हैं, लेकिन हमारे पास तो प्रभु के नाम का ही बल था। सरयू के चरणों में बैठ के शपथ ली थी, उस शपथ का और उस संकल्प का बल था। कार सेवकों का जो पूरा संघर्ष है उसे भी आप याद करती होंगी। आज जब हम इतने करीब पहुंच चुके हैं, 22 जनवरी का दिन बेहद करीब है, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया। हाँ प्रतिमा, वो बलिदान तो अमर हो गया ना, उस बलिदान की कल्पना नहीं की थी। हमें लगता था लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अधिकार लेने का हक है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की आजादी है, आंदोलन करने की आजादी है। और हम तो जिद कर रहे थे, किसी दूसरे के ऊपर दावा नहीं कर रहे थे, अपने ही आराध्य की जन्मभूमि मांग रहे थे। तो हमने नहीं सोचा था कि उस जर्जर ढांचे को बचाने के लिए हमारे नौ निहाल, हमारे तरुण बच्चों की बलि ले ली जाएगी।
ये नहीं सोचा था। जितने बड़े स्तर पर राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ, अब काशी और मथुरा का भी नारा गूंजने लगा है, क्या लगता है आपको उसमें भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी या उतने बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा? अभी वात्सल्य ग्राम में मेरा षष्ठी पूर्ति प्रोग्राम हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनाम धन्य योगी जी आए थे। तब उन्होंने कहा था कि अब संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब संवाद और धैर्य उसकी जरूरत है। तो निश्चित रूप से जन्मभूमि राम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पत्थर स्वयं अपनी गवाही दे रहे हैं कि हम कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर है, प्रभु का मंदिर। क्या कहेंगी जब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि जो ये पूरा कार्यक्रम है ये तो एक इवेंट है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक इवेंट है, आयोजन है वीएचपी का, आरएसएस का, बीजेपी का? ये तो पूरे भारतीयों का, विश्व के अंदर फैले हुए सनातनियों का अनुष्ठान है, उनकी साध है, उनकी आस्था है। और सपने सदियां लग गई, सोचिए 500 साल, कितनी सदी हमने ये प्रतीक्षा की है। तो इसे इवेंट कह के इसका अपमान करना, ये चंद लोगों की धृष्टता है जो उचित नहीं है, इतने बड़े समाज की आस्था और श्रद्धा का अपमान करना। हाँ, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, मार्गदर्शक मंडल के संतों की आज्ञा से किया था। निश्चित रूप से उसको उसका प्रसाद मिलेगा ही, और जो किसी बड़े अभियान श्रेष्ठ संकल्प के पुरोधा बनते हैं वो तो इतिहास में लिखे ही जाएंगे। कहा तो ये लेकिन लेकिन ये जो कह रहे हैं ये तो सौभाग्य उनको भी मिल सकता था ना, उन्होंने इसको खोया चंद वोटों के लिए या तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, मतलब तो मौका था उनके पास, सबके पास मौका था, लेकिन उनको यही उचित था लगा कि वो इस मूल भावना का अपमान करके राजनीति करेंगे। ये भी कह रहे हैं यही लोग कि ये क्रेडिट लेने की जो है वो होड़ शुरू हो गई है, ये पूरा आंदोलन जो है वो वीएचपी की ओर से चलाया गया और उसमें कार सेवकों का बलिदान हुआ और इसका क्रेडिट आप प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, बीजेपी ले रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे और वोट लेंगे। वीएचपी ने ये कार्यक्रम किया था और भारतीय जनता पार्टी के भी तो अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर निकले थे, बाकी तो सब गालियां ही दे रहे थे ना। तो प्रभु ने हमें जो है ये जब अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया जन भावना को कि देश की आस्था कहाँ बसती है, कि हम सड़कें बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम जो है आर्थिक व्यवस्था को आसमान पे ले जाएंगे, हम घर घर रोशनी पहुंचा देंगे, हम सबको गैस के चूल्हे भी दे देंगे। अब आप ये मत कहना कि दीदी माँ क्या आप उनकी जो है वो गिना रही हो, मैं वो गिना नहीं रही हूँ क्योंकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि सब कुछ दे देंगे लेकिन राम जी का भव्य मंदिर नहीं देंगे। हाँ। तो जनता तृप्त होने वाली नहीं तो है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इतना बड़ा आपने मंदिर बनाया, अगर स्कूल होता तो शिक्षा मिलती, हॉस्पिटल होता तो इलाज मिलता, उनको क्या कहेंगे? तो इतने सारे भारत में अस्पताल और शिक्षा के केंद्र, क्या जन्मभूमि पे ये होना चाहिए? ये कितनी विचित्र बात है और कितना बड़ा प्रभु का अपमान है। प्रभु का अपमान वैसे प्रतिमा नहीं होता, प्रभु से जुड़ने वाली भावनाएं आहत होती हैं, ये अच्छा नहीं है। क्या भारत की धरती कम पड़ गई स्कूल और अस्पतालों के लिए? मैं स्कूल और अस्पतालों का विरोध नहीं करती, मैं स्वयं मैंने पहला भारत को बेटियों का सैनिक स्कूल दिया है, भारत का पहला सैनिक स्कूल, लेकिन क्या जन्मभूमि ही, क्या जन्मभूमि मिली है अस्पताल और विद्यालय खोलने की? और ये स्कूल तो नहीं है प्रतिमा, पर ये राम महल विश्व का विश्वविद्यालय है, जहाँ विद्या अर्जित करके व्यक्ति मुक्त होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। स्कूलों में रोजी रोटी की शिक्षा दी जाती है, जिंदा रहने की, और ये जो बना है ना ये जीवन जीने की विधा बताता है, इसीलिए इस तरह की बातें उचित नहीं है। बातचीत तो आपसे जारी रहेगी, कुछ राम जी के लिए आप कहना गुनगुनाना चाहेंगे? राम जी के लिए वो देखिए सारे गुनगुना रहे हैं जी, तो हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना किया करते हैं कि हनुमान जी हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो हनुमान जी जो है ना वो माध्यम है प्रभु से मिलने का,
क्योंकि वो शरणागति के प्रतीक है। जिस व्यक्ति की शरणागति पूर्ण हो जाती है राम उनके हो जाते हैं। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि राम के नाम पर क्या दूसरों की भक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी उस दिन यहाँ नहीं है लेकिन वो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, कामाख्या देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं उस तारीख को तो क्या उनकी भक्ति पर सवाल उठाया जाना चाहिए? नहीं, उनकी भक्ति पे कोई सवाल कैसे उठा सकता है, क्योंकि भक्ति तो व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन उनकी निष्ठा पे तो सवाल उठेगा ही ना, कि जब सारा विश्व सनातनियों का धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, तब आप वहां आके खड़े होना भी पसंद नहीं कर रहे, तो उससे पता चलता है कि आपको कितनी नफरत है, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, अगर 22 जनवरी को नहीं आ रहे हैं तभी ये मान लिया जाएगा कि उनको नफरत है, 22 जनवरी के बाद आ जाएं तो? कभी भी कोई भी आए, नहीं मेरा कोई आग्रह नहीं 22 जनवरी को आने का। मेरे को दुख इस बात का है कि इतने बड़े आयोजन का विरोध के स्वर उठना, ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ना तो किसी की भक्ति पे संदेह किया जा सकता है, ना किसी की दूसरी बात पे। लेकिन आप पूरे समय राम जन्मभूमि का आप भूल गए कि मोदी का विरोध करते करते आप सनातनियों का की आस्था का विरोध करने लगे, आप भूल गए इसमें। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो शंकराचार्य की बातों का अनुसरण कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सबके सामने है। वो ये कह रहे हैं कि शास्त्र संवत नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, तो ऐसे में तो हम उन्हीं की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि जब पूरा विश्व लेके लगन मुहूर्त, जब सारे सम्मिलित स्वर एक साथ उठते हैं, वो शुभ मुहूर्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा, काशी के विद्वानों के द्वारा हो रहा है, लेकिन हो सकता है हर परंपरा में अपना अपना एक अलग विचार होता है। मुझे मेरी पूज्य पीठों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, और उसके बारे में मैं उचित पात्र भी नहीं हूँ, और शायद किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है इसमें पूरे विश्व का सनातनी आनंदित है, हमारी दृष्टि वहाँ पर है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ इस कार्यक्रम में जो निमंत्रण भेजा गया है उसमें वीवीआईपी को तवज्जो ज़्यादा मिली है, ना कि कार सेवक जो थे उनके परिवारजनों को। जितना बलिदान उनका, योगदान उनका रहा है, उतना तो किसी का नहीं रहा है। मुझे वैसे ही पता नहीं कि ये बात कितनी सच है, हम भी यहाँ अतिथि की तरह ही आए हैं, और कार सेवकों में मेरा भी नाम था। मैं तो कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, पैसे वाली भी नहीं हूँ, वीआईपी भी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा तमगे भी नहीं है। कार सेवक की तो थीम है, तो मुझे बुलाया गया ना, मैं अपने कार सेवकों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। बारी बारी सब आएंगे, और जो भक्त होता है ना उसे निमंत्रणों की चाह नहीं होती, वो उनसे बहुत परे होता है, इसीलिए इस तरह सोचना शायद उचित नहीं है। आपको लगता है इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत हुई? राम जब वर्डिक्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी आपको लगता है इस पूरे मामले को ज्यादा तूल दी गई? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया उसके बाद तो विरोध के स्वर शांत हो जाने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं हुए। उससे पता चलता है कि आप किसकी इज्जत करते हो, संघर्ष की करते हो, वो भी हो चुका, आस्थाओं की करते हो, उसके लिए तो लोगों ने प्राण दे दिए, वो भी हो चुका, न्यायालय की प्रक्रियाओं से गुजर गए, तो क्या आप न्यायालय पे भी भरोसा नहीं करते? और अगर आप सोचते हो कि सत्ता के दबाव में हुआ, क्या आपका ये चरित्र था कि जब आपके पास सत्ता थी तब क्या आप यही कर रहे थे? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, तो आप किस बात को मानोगे? तो आपकी नजर में श्रेय किसे जाता है? आज जो दिन नजदीक आया है, मंदिर निर्माण हो रहा है, किसको देंगे आप श्रेय? अरे प्रतिमा, मेरे रामलला ने न्यायालय में लड़ाई लड़ी है, मेरे रामलला का श्रेय है, उनकी योजना है, उन्होंने अपनी भूमि के लिए इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरे हैं। पहले त्रेता वालों ने तो 14 साल के लिए भेजा था वनवास, और यहाँ तो कलयुग में 500 साल का वनवास झेला है उन्होंने। उनकी योजना है, श्रेय कोई भी लेता रहे, पर राम लला ने अपने स्थान को स्वयं संघर्ष करवाया अपने भक्तों से, उनके हृदय में संकल्प दिया, उनके प्राणों की आहुति की बारी आई तो उन्होंने कहा डरो मत मेरे लालो, मेरी गोद में आने वाले हो, और इसीलिए किसी को कोई श्रेय नहीं है, ये मेरे रामलला की लीला है। और इतंबरा के लिए कोई कहे, किसी पार्टी के लिए कहे, संगठन के लिए कहे, हाँ ये सौभाग्य होता है प्रतिमा। भगवान को हम चुने बड़ी बात नहीं है, भगवान हमें चुन ले
बड़ी बात है, हिडन मैसेज ही सही, लेकिन कहा जा रहा है जो रामलला को लाए हैं 24 में वही आएंगे, आप भी मानती हैं? हाँ, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि पूरे देश के इतने आशीर्वाद हैं, इतने आशीर्वाद हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम धर्म की धारणा से चलते हैं तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। यानी ये चुनावी मुद्दा है? नहीं नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्यों है? मुद्दा तो हमेशा ही रहा, इसलिए रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के पक्षधर होके अपने अपना क्या बोलते हैं उसको, एजेंडे में रखा उसको। कितनी बार हारे तब भी रखा, तो फिर पराजित हुए, सत्ताओं को न्योछावर किया, इसीलिए खाली आप इसको मुद्दा कहेंगे, नहीं नहीं, मुद्दा मुद्दा भी चला। देखो, माफ करिएगा प्रतिमा, आप मीडिया के जगत के लोग हैं, बहुत दूर तक बात को पहुंचाते हैं, देव ऋषि नारद की परंपरा के संवाहक हैं आप, लेकिन इस विषय को मुद्दा कहना बुरा हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब हवन करोगे, मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो राजनीतिक दल दुनिया कहे, ये तो चुनावी मुद्दा है बीजेपी का, राम मंदिर के नाम पर पहले वोट मांगे और इस बार भी उसी नाम पर वोट मांगे। वो तो पहले से था ना, तुमने क्यों नहीं बनाया इसको अपने एजेंडे में, क्यों नहीं जगह दी, क्यों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों के मन को समझा, जन की भावना को समझा। और दूसरी बात ये है कि ये जो हवन करेगा ना प्रतिमा, उस हवन की धूम्र की खुशबू, उस अग्नि का जो दाह है इस शीतलता में, किसको मिलेगा? जो इत्र लगाएगा उसे स्वयं भी खुशबू मिलेगी, औरों को भी देगा। जो प्रभु के चरणों में झुकेगा उसे प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा और राम भक्तों का प्यार भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मान रही है साध्वी रितंबरा, लेकिन इन्होंने भी साफ कर दिया है कि मौका सभी के पास था, उसे भुनाया किसने ये सभी जानते हैं। उसको भुनाया किसने या उसका विरोध करके? प्रतिमा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कहती हैं कि उसको भुनाया किसने और उसका विरोध किसने करके? हाँ, तो दोनों बातें की ना, मौका तो है। हाँ? जी नहीं, हाँ? आपका गलत मैसेज है। आप बोलिए अपनी बात। आप देखिए, जो विरोध कर रहे थे क्या वो राजनीति नहीं कर रहे थे? वो वोट की राजनीति नहीं थी? तो राजनीति दोनों तरफ से हुई। हाँ, मैं कह रही हूँ, मान लो राजनेता राजनीति नहीं करेगा, क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेलेगा, जो है वो जो है क्या कहते हैं, चित्रकार चित्र नहीं बनाएगा, रितंबरा व्यासपीठ पे बैठ के कथा नहीं करेगी, भक्त गीत नहीं गाएगा। हाँ, तो इसी पर तो कहा जाता है कि मुझे कुछ और क्यों नहीं। सुनिए, फूल की खुशबू उसके बिना, वो राजनीतिज्ञ से आप राजनीति की आशा ही करोगे ना? पर एक है परंपरा को गाली दे के राजनीति और एक है परंपरा का पोषण करके राजनीति। हम पक्षधर है जो भारत को भारत बनाए रख रहे हैं, जो भारत की परंपरा का मान सम्मान कर रहे हैं, जो धूल धूसरित श्रीहीन तीर्थों को एक चमक दे रहे हैं, इसलिए राजनीति तो है, पर कैसी राजनीति, कौन सी राजनीति, अस्तित्व की हत्या करके राजनीति या अस्तित्व का पोषण करके राजनीति? ठीक है, सॉरी प्रतिमा। नहीं नहीं, सॉरी मत कहिए, लेकिन देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर टीवी 9 भारत पर शो साध्वी रितंबरा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कुल मिलाकर बता दिया है कि बेहद उत्साहित है हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और इसीलिए जरूरत नहीं है कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं से भी राजनीति। धन्यवाद। जय हो। जयपुर में टैटू आर्टिस्ट ने फ्री राम टैटू बनाने का ऐलान किया है और भगवान राम का टैटू फ्री में बनाने का ऐलान उसने किया है। टैटू स्टूडियो के बाहर राम भक्तों की लाइन लग गई है, राम भक्त धनुषधारी राम का टैटू बनवा रहे हैं। एक बड़ा आयोजन अयोध्या में होने वाला है और भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो 22 जनवरी यानी कि एक दिन बाद होने वाला है। पूरा देश जो है राममय हो चुका है, लेकिन यूथ में भगवान राम को लेकर जो क्रेज़ है उसको आप देख सकते हैं। जयपुर के एक टैटू स्टूडियो पर खड़ा हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो यहाँ पर जो है भगवान श्री राम का टैटू बनवा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में टैटू बनाया जा रहा है। जो यहाँ के ऑनर हैं, ये आप इनसे बात करते हैं, विष्णु खंडेलवाल जी। सर, ये कहाँ से आइडिया है, अचानक से आप जो यहाँ भीड़ काफ़ी लगी हुई है आपके टैटू स्टूडियो में, किस तरीके से आपका जो आइडिया है लोगों का टैटू बना रहे हैं आप यहाँ पर? सर देखो, एक सनातनी होने के नाते राम भगवान में आस्था है, कोई ना कोई हर कुछ अयोध्या में डोनेट कर रहा है और इतने अथक वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि आस्था के होने के नाते कि कुछ ना कुछ मैं भी डोनेट करूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा एक यूनिक आइडिया लेके आया जाए कि लोगों की भावना भी जुड़ी रहे
लोग मेरा डोनेशन भी हो जाए और लोग मेरे साथ में जुड़ जाए आगे तक के लिए। तो मैंने यही करा, बस 3 इंच तक का राम भगवान है, कोई भी आप टैटू बनवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल ही। यानी कि जो उत्साह है और एक तरह से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको लेकर, तो ये जो भीड़ है ये काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं क्योंकि ये पूरा फुल हो चुका है। 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक आपको ऐसा ही भरा हुआ दिखेगा। मतलब अभी तक ऑलरेडी हम 500 से ज़्यादा टैटू बन चुके हैं हमारे पास, 3 दिन का भी ऑफर है और राम भगवान के मोस्टली 100 से ज़्यादा टैटू बन चुके हैं और 100 से ज़्यादा वेटिंग में। तो ये आपको आइडिया जो मिला है ये जो टैटू का, ये कहाँ से पता पड़ा आपको और यहाँ पर आए हैं? मैं इधर से जा रहा था तो मेरे को ये बैनर लगा हुआ दिखाई दिया जहाँ पर श्री राम का टैटू फ्री में बनाया जा रहा है। तो भगवान श्री राम का टैटू बनाएंगे, कहाँ बनवाएंगे आप? बाजू पे बनवाऊंगा। तो जयपुर से देख रहे थे आप ध्वज की ये रिपोर्ट और देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं ये जो द्वार देख रहे हैं, दरअसल जो रामलला का मंदिर है उसका ये सिंह द्वार है और इस द्वार की अगर बात करें यहां से प्रवेश का ये रास्ता है। तो ये जो द्वार है इसको हम 3D मॉडल के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि जब आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो कुछ इसी तरह की तस्वीर होगी, ये सिंह द्वार कुछ इसी तरह से नजर आएगा वहां भी आपको, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, इस ग्राफिक्स के माध्यम से। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिख समाज से भी बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में महीने भर से नामधारी सिख संगत के लोग डटे हुए हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी प्रतिमा के दिव्य दर्शन से बेहद उत्साहित हैं। सिख भक्तों से बात की TV9 भारतवर्ष संवाददाता प्रतिमा मिश्रा। इस वक्त मेरे साथ सिख संगत मौजूद है अयोध्या में राम की पैड़ी पर और सिखों का जो योगदान रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर बात करें या फिर सिख गुरुओं का इस जगह को लेकर जो लगाव रहा है वो अप्रतिम रहा है, उसकी चर्चा भी समय समय पर होती रही है। आप लोगों ने रामलला का बाल स्वरूप उनकी तस्वीर देखी? जी बिल्कुल, देखिए जी बहुत अद्भुत तस्वीर है, दर्शन करते ही पता चल जाता है कि राम जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है अयोध्या में, कब से आप लोग यहाँ पर हैं और आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए, कहाँ कहाँ से आए? जी हम नामधारी संगत सतगुरु दिलीप सिंह जी के अनुयायी हैं। हम यहाँ पे 14 जनवरी को लंगर भंडारा हनुमान गुफा में शुरुआत की है और वो 28 फरवरी तक वो चलेगा। हम 100 लोगों का जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, वो 10 दिन जहाँ लगाएगा उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन के लिए और 100 लोगों का जत्था आ जाएगा। ऐसे मार्च अप्रैल तक जैसी भी संगत हमारी है जितनी भी है वो सारी आती रहेगी। कुछ शब्द सुनाना आपका बनता है रामलला की प्रतिमा के आज दर्शन। असी अयोध्या विच आए अज लगियां रौनका, अज हिंदू सिख नचदे गुरु जी तेरे घर के। ओ अज लगियां रौनका असी अयोध्या विच आए। और आप लोगों में कितना उत्साह है क्योंकि रामलला को लेकर तो हमने देखा है कि कितना लंबा संघर्ष चला है, 500 सालों का जो संघर्ष है उसका आज एक तरीके से कहा जा रहा है कि फल मिलने जा रहा है। देखिए आज 500 वर्षों से प्रतीक्षा जो हमारी मोदी जी ने खत्म कर दी है, हमें अत्यंत खुशी है कि आज रामलला जी विराजमान होंगे और इसके बाद हमें मोदी जी से और भी अपेक्षा रखते हैं कि मथुरा और काशी भी बाकी है अभी। 22 जनवरी को लेकर कुछ विशेष तैयारियां आप लोगों ने? 22 तारीख को हम दीपमाला का कार्य कर रहे हैं, पटाखे चलाएंगे, भंगड़े डालेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे, रामलला जी का स्वागत करेंगे। मिष्ठान जो है 7 तरह के मिष्ठान, अलग अलग मिष्ठान होंगे, इसमें हमारे गुरु जी ने एक राम भोज के नाम से मिष्ठान तैयार करवाया है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा राम भोज का। लेकिन जानने की हाँ जाने ऐसे है भी, उसको चना जो व्हाइट चना होता है उसको पीस कर बनाया जाता है, जैसे कड़ा प्रसाद बनता है वैसे उसमें अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट पदार्थ पड़ते हैं, केवड़ा पड़ता है, ऐसी चीजें पड़ेंगी, जब चखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे मैं बयान नहीं कर सकता। तो अयोध्या से इस वक्त कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं और साथ ही मैं जहां इस वक्त हूं, दरअसल ये सिंह द्वार है, ये रामलला के इस भव्य मंदिर का सिंह द्वार है, प्रवेश का वो द्वार है,
जिसको एक 3D मॉडल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और अयोध्या में TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने छत्तीसगढ़ से आए एक शख्स से बात की जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवा रखा है। अयोध्या से देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर किसी को निमंत्रण दिया गया है। छत्तीसगढ़ से एक सदस्य हमारे साथ आए हुए हैं, आपको भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है जी। ये आपने पूरे शरीर पे रामनवमी क्यों चढ़वाई है? ये राम नाम अपना राम राम ही सार है संसार में, तो उसके नाम को लिखाए हैं। और संसार में क्या है, सब तो झूठ है, लेकिन राम नाम सत्य है। तो ये कब आपने गुदवाया पूरे शरीर? मैं 1961 में, अभी मुझे 81 साल होने जा रहा है उम्र। क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपने पूरे शरीर में ही राम नाम करवाया? ये अपना श्रद्धा है, भक्ति है। और राम मंदिर आंदोलन में भी आप आए थे? जी आए थे मैं। तो आपको कब बताया, आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं किसानी करता हूँ। कहाँ पे? अपना ग्राम जमघान आनंद पारा मेरा गांव है। आपका जिला नया राजपुर बना है, ये साल सारंगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, आदिवासी समाज से है? नहीं, हम ये अनुसूचित में आते हैं और राम नाम ही हमारा पंथ है। तो कैसे आपको पता चला कि आपको निमंत्रण मिला है? क्या फोन आया है, क्या कैसे? फोन से किया था। और अयोध्या आते रहते हैं? मैं तो 10वीं बार है, यही राम नाम लिखाया था मैंने। अच्छा जी। और ये जो खास तरह का ये पहनावा क्या है आपका? ये है अपना भेष है। ये राम राम जब लिखाए ना तब भेष बनाते हैं, ये राम नाम का भेष है, राम राम भेष है। कुछ लोगों को निमंत्रण गया है फिर भी नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? निमंत्रण वो अपना जाने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या तकलीफ है? हमें तो खुशी है, हमें निमंत्रण मिला तो आए गए। आपको हम मिलवाते हनुमानगढ़ी के सबसे छोटे महंत सूरज दास जी से, जिन्होंने TV9 पर 8 साल की कम उम्र में महंत बनने की कहानी बताई। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर अयोध्या में है एक 8 वर्ष का बालक सूरज तिवारी। जब 12 साल की अवस्था में बनता है, पहुंचता है, तो महंत सूरज दास बन जाता है, वो भी हनुमानगढ़ी का महंत। और वो महंत सूरज दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महंत सूरज दास जी का। जय श्री राम, जय हनुमान जी। सूरज दास जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर। आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं मात्र 12 साल की अवस्था में, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये विशेष हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर। कैसे? अब उनकी कृपा ना होती तो उनके चरण में सेवक क्यों बनते हैं? लेकिन कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, आपकी उम्र 12 साल ही है ना? जी जी। और 8 साल में आप घर से निकले? जब हम घर पर रहते थे सभी भैया पढ़कर आते थे, सभी लोग डोरेमोन और पिक्चर ये सब देखते थे, पर हम जब टाइम पाते थे तो लोग कुछ कांड देखते थे, तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि अगर इतने छोटे छोटे बालक भगवान के स्वरूप में इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी पूरी जिंदगी हनुमान जी की सेवा में लगा दें। क्या बात है, 8 साल की उम्र में इतना विवेक और इतना ज्ञान होना ही अपने आप में अद्भुत है। जाहिर सी बात है आप पे कृपा तो है ही प्रभु की, लेकिन अभी आपका क्या रूटीन है, क्या करते हैं आप? बस हनुमानगढ़ी में रहता हूँ, सुबह उठता हूँ तो स्नान ध्यान होता है, उसके बाद भजन वजन होता है थोड़ी देर, उसके बाद हनुमान जी की सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती है। आजकल तो अयोध्या में उत्सव का माहौल है, भगवान राम अपने मंदिर में 500 साल बाद दिव्य मंदिर में लौटे हैं, पूरी अयोध्या एकदम राममय है, आपके मन में क्या भाव है? हम सब लोग अयोध्या निवासी जितने हैं अपने आप को गर्वशाली मानते हैं, और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि राम भगवान टेंट से अपने महल में जा रहे हैं, इससे बड़ा खुशखबरी और कोई हो नहीं सकता। आपने टेंट में दर्शन किए हैं उनके? जी, हम सब लोग टेंट में जब दर्शन करने जाते थे तो बहुत चेकिंग लगती थी, मोबाइल घड़ी पर्स वगैरह वगैरह सब रखवा लेते थे वहाँ। और अब योगी जी की मोदी जी की सरकार में हम रामलला का दर्शन बड़े सौभाग्य से खुलकर कर सकते हैं। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, मतलब? मतलब पहले शासन यहाँ बहुत टाइट था, दर्शन नहीं करने देते थे, लाइन लगती थी, अब
पता नहीं क्या हनुमान जी की कृपा, श्री राम की कृपा हो गई कि जब से ये सरकार आई तब से हम सब लोग भक्तदल से जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं। न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला है।